हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। किसके? गगनयान मिशन के बारे में। इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे उन सभी के आपको जवाब मिल जाएंगे इसमें। ठीक, अच्छे से सुनिए। गगनयान मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत गगनयान पहला भारतीय अंतरिक्ष यान होगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत गगनयान पहला भारतीय अंतरिक्ष यान होगा। गगनयान को भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2022 तक शक्तिशाली जीएसएलवी MK3 रॉकेट द्वारा विक्षेपित किया जाएगा। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2022 तक शक्तिशाली जीएसएलवी MK3 रॉकेट द्वारा विक्षेपित किया जाएगा। इसे 15 अगस्त 2018 को भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक तिरंगे के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं गगनयान की चुनौतियों के बारे में। इसरो के अब तक के सभी मिशनों का उद्देश्य उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजना था, लेकिन गगनयान का उद्देश्य अंतरिक्ष में मानवों को भेजना और उड़ान के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। एक ऐसे चालक दल मॉड्यूल द्वारा का निर्माण करना जहां अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पृथ्वी के जैसे वातावरण में रह सकें और उड़ान के बाद अंतरिक्ष को यान को वापस पृथ्वी पर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक समान वर्ण दुर्घटनाओं में चालक दल के 22 सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अंतरिक्ष यान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष वातावरण के खतरे के बारे में। यहाँ का वातावरण बहुत कठोर है। वहां गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल का अभाव है और विकिरण का खतरा है। अंतरिक्ष यात्री विभिन्न प्रकार के विकारों के शिकार हो सकते हैं। सूक्ष्म गुरुत्व में अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों की अविन्यासित दृष्टि, मांसपेशियों की ताकत, एरोबिक क्षमता और अस्थि घनत्व का ह्रास देखा गया है। दबाव के अभाव में मानव रक्त उबलने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हड्डियां खनिज खो देती हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित फ्रैक्चर का खतरा बना रहता है। 5 से 11 दिनों तक की अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपनी मांसपेशियों की शक्ति 20% तक खो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल में उतरने की स्थिति के दौरान एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और अनुशासित संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी समस्या में दूसरा विकिरण एक्सपोजर। यह भी विकिरण जोखिम गगनयान से बहुत संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए यह प्रासंगिक है। अंतरिक्ष स्टेशनों में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में 10 गुना से भी अधिक विकिरण के संपर्क में रहते हैं। विकिरण से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। विकिरण मतली, उल्टी, भोजन में अरुचि और थकान पैदा कर सकता है। निम्न भू कक्षा से परे चालक दल को 100 लेयर विकिरण द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा प्रोटोनों का भी खतरा हो सकता है, जिसके संपर्क से मौत भी हो सकती है। फिर आपका पृथक्करण। चाहे अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी भी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया हो, लेकिन छोटे स्थान में सीमित संसाधनों के भरोसे रहने से उनमें व्यवहार संबंधी समस्याओं के आने की संभावना रहती है। अलगाव के कारण यात्रियों को अवसाद, बुखार, थकान, अनिद्रा और अन्य मनोरोग विकारों से जूझना पड़ता है। संवेदी तंत्र। अंतरिक्ष उड़ान के दौरान चरम वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यात्रियों की
सातों इंद्रियां श्रवण दृष्टि गंध स्वाद स्पर्श वेस्टिबुलर गति व संतुलन प्रणाली और प्रोप्रियोसेप्शन तंत्र शरीर के अपने अंगों की सापेक्ष स्थिति की भावना कमजोर हो सकती है। संवेदी प्रणालियों में परिवर्तन से अंतरिक्ष यात्रियों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बात करते हैं शारीरिक और चयापचय आवश्यकताएं। अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन पानी दवा मानव अवशिष्ट हटाने की आदि को संबोधित किया जाना चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री को मानक गतिविधियों करने के लिए प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर किलोग्राम ऑक्सीजन भोजन और पानी ऑक्सीजन 0.84 किलोग्राम भोजन 0.62 किलोग्राम और पानी 3.54 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। इसके समरूप ही अपशिष्ट उत्पादन होता है। ठोस अपशिष्ट 0.11 किलो तरल अपशिष्ट 3.89 किलो कार्बन डाइऑक्साइड 1.00 किलो। यह स्तर किसी विशिष्ट मिशन में गतिविधि के कारण कुछ भिन्न हो सकते हैं लेकिन बुनियादी संतुलन का नियम बना रहता है। पीने के अलावा पानी की खपत स्नान धुलाई में भी होती है इसलिए मिशन के दौरान वास्तविक जल का उपयोग आमतौर पर इंगित की गई मात्रा का दोगुना हो सकता है। पानी का भंडारण इस्तेमाल में बचत और कचरे से पुनः प्राप्ति की जानी चाहिए। अब तक के सभी मानव अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशिष्ट आपूर्ति भोजन का उपयोग किया गया। कचरे को कुशलता से कम करने और स्टोर करने के लिए एक समग्र अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के तैयार की जानी चाहिए। गगनयान मिशन की प्रमुख प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करते हैं। गगनयान मिशन की सफलता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना अनिवार्य है। सबसे पहले गगनयान कक्षित फिर पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थ प्रणाली फिर आपका प्रक्षेपण पलायन प्रणाली फिर चालक दल निष्कासन तंत्र फिर वायुमंडलीय पुनः पीछे प्रवेश क्षमता अंतरिक्ष सूट अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण GSLV MK3 रॉकेट गगनयान कक्षित। बात करते हैं मिशन की महत्वपूर्ण घटनाओं का काल चक। अगस्त 2004 में इसरो नीति योजना समिति ने सामानव अंतरिक्ष मिशन की सिफारिश की थी। नवंबर 2006 में राष्ट्रीय समिति ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कक्षीय वाहन के तहत मिशन का प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया। 10 जनवरी 2007 को 550 किलोग्राम भार के स्केल्ड स्पेस कैप्सूल रिकवरी पेयो की सफल उड़ान और पुनः प्राप्ति हुई। सितंबर 2007 में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली सार्वजनिक घोषणा हुई। मार्च 2008 में अभिकल्प को अंतिम रूप दिया गया और वित्तीय मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया। फरवरी 2009 में सीमित धन की वित्तीय मंजूरी मिली। मार्च 2009 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कार्यक्रम की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर चर्चा की और समर्थन व्यक्त किया। वसंत 2009 में गगनयान के चालक दल कैप्सूल का पूर्ण पैमाने पर मॉक अप निर्माण किया गया और अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को भेजा गया। 15 अप्रैल 2010 को GSLV D3 की विफलता GSLV भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान का संक्षिप्त नाम। 25 दिसंबर 2010 को GSLV F06 की विफलता। 18 दिसंबर 2014 को GSLV MK3 की प्रयोगात्मक उड़ान का सफल परीक्षण। इसके साथ ही एक प्रयोगात्मक चालक दल मॉड्यूल द्वारा पुनः प्रवेश क्षमता का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 5 जून 2017 में GSLV MK3 D1 की पहली विकासात्मक उड़ान उच्च थ्रोपुट उपग्रह जीसेट
का सफलतापूर्वक विक्षेपण। भारत सरकार द्वारा भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिली 5 जुलाई 2018 को चालक दल पलायन प्रणाली की पहली सफल उड़ान का परीक्षण हुआ। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से वर्ष 2022 तक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की मिशन की घोषणा की है। तो ये थी आपकी गगनयान की कहानी, ठीक है। जब से चर्चा चली है उससे हम लोगों ने 15 अगस्त 2018 तक प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से वर्ष 2022 तक सामानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की घोषणा कर दी है, ठीक है। आगे जो भी बदलाव रहेगा हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है।